Mr. Kailash Chandra Pandey, Honorary Executive Secretary of Blind Relief Association, is receiving the award. Sister Catherine, President of the Center, she has received the award. Best Institution Additional Lecturer Award goes to JSS Polytechnic for the Differently Abled Mysore, Karnataka. It is the first polytechnic in India started exclusively for the persons with disabilities. It caters to training needs of persons with locomotor, hearing and visual impairment. It is also the first polytechnic to start diploma in computer applications for the visually impaired. The institute has more than 10% persons with disabilities amongst its employees. Mr. Nanjundaswamy, principal, is receiving the award. Best Institution Additional National Award goes to Worth Trust, Kattupalli, Vellore, Tamil Nadu. The trust offers diverse services for rehabilitation of children with various disabilities. The services offered for the persons with disabilities include aids and appliances, manufacturing of products, awareness programs. Mr. Atmanathan, the director, is receiving the award. Sri Lakshmi Chandra V. Rambhia, Chairman, is receiving the award. Society for the Welfare of the Differently Abled Persons, Physically Handicapped, Education and Research Center, Pune. ये सोसाइटी 6 से 18 वर्ष आयु समूहों के अस्थि विकलांग बच्चों के लिए पुनर्वास सेवाएं प्रदान करता है। ये चिकित्सा, पुनर्वास, शिक्षण, बोर्डिंग सुविधा के साथ साथ व्यावसायिक पूर्ण प्रशिक्षण, फिजियोथेरेपी और ऑर्थोटिक और प्रोस्थेटिक सेवाएं प्रदान करता है। सोसाइटी ने विकलांग व्यक्तियों के लिए न्याय केंद्र और वैवाहिक ब्यूरो भी आरम्भ किया है। मिस्टर मुरलीधर कचरे, चेयरमैन। श्री प्रशांत मधुकर नायक सूरजमुखी दशा के कारण जन्म से ही निम्न दृष्टि हैं। श्री नायक के पास BCA में उपाधि है। आप एक माइक्रोसॉफ्ट प्रमाणित प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ भी हैं। विगत 10 वर्षों में आपने दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए धारिता सृजन और प्रशिक्षण में अपने इनपुट के साथ साथ बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी पहुँच के संबंध में भी योगदान दिया है। प्रशांत मधुकर नायक। सुश्री गुनीत सेठी ने 30 वर्ष पूर्व अपनी दृष्टि खोना शुरू कर दिया था। आप 1992 से 100% दृष्टि बाधित हैं। आप संसाधन जुटाने, संप्रेषण, लेटरल थिंकिंग, RJ और TV एंकरिंग के पाठ्यक्रमों के साथ साथ एक बहुमुखी व्यवसायी बन गई। एक प्रख्यात शिक्षा कार्यक्रम ये है रोशनी का कारवां रेडियो प्रोग्राम की आप चिरपरिचित आवाज़ हैं। सुश्री गुनीत सेठी, श्री संजय कुमार राठी, पुलकित खोसला, उनके नेफ्यू इस अवार्ड को ग्रहण कर रहे हैं। प्रेरणा स्रोत का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है सुश्री सायली नंद किशोर अगवानी को, जो कि पुणे, महाराष्ट्र से हैं। आप जन्मजात 50% मंदबुद्धि हैं। जीवन की चुनौतियों का मुकाबला करते हुए सुश्री सायली ने शास्त्रीय कथक नृत्य और एडवांस इंटरमीडिएट वेस्टर्न डांस के क्षेत्र में अपने लिए स्थान बनाया। आपने पुष्कर जो कि सत्य नामक एक मराठी फीचर फिल्म में भी एक प्रमुख किरदार अदा किया। आपने बैंकॉक, थाईलैंड में 2010 में संपन्न 8वें ग्लोबल हार्मनी फेस्टा में कांस्य पदक प्राप्त किया। सुश्री सायली नंद किशोर अगवानी। डॉक्टर मानस कमल भुयन, IIT गुवाहाटी, असम। डॉक्टर भुयन, he is assistant professor in IIT Guwahati, has developed a gesture recognition module for vision based and glove based setup for Indian sign language recognition. He has also developed sign language education and animation framework. Dr. Manas has designed the data glove by the use of optical and magnetic sensors by data acquisition, which can read the finger movement of two hands accurately. Dr. Manas Kamal Bhuyan. विकलांग व्यक्तियों के जीवन को सुधारने के उद्देश्य से सर्वोत्तम अनुप्रयुक्त अनुसंधान नव प्रवर्तन उत्पाद विकास हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया है डॉक्टर नीलेश कुमार ने, जो कि चंडीगढ़ से हैं। डॉक्टर नीलेश कुमार इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में PhD तथा MBA हैं। डॉक्टर कुमार ने घुटने से ऊपर से छिन्नांग के लिए कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक नी जॉइंट नामक अपने नव प्रवर्तन के माध्यम से अस्थि विकलांग व्यक्तियों के जीवन में बहुमूल्य योगदान दिया है। डॉक्टर नीलेश कुमार।
research, innovation, product development aimed at improving the life of persons with disabilities. National award goes to Center for Development of Advanced Computing, CDAC, Kerala. CDAC is a scientific society under the Ministry of Communication and Information Technology, Government of India. The center has designed a lightweight and cost-effective digital programmable hearing aid called Tarang. It has also developed a programming software, Shruti, for customizing hearing aids to the individual needs. R. Ravindra Kumar, Senior Director and Head Hardware Design Group, is receiving the award. Outstanding work in the creation of barrier-free environment for the persons with disabilities. Government sector national award goes to National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, Kovalam, Chennai. This created ramps, tactical floorings, handrails, proper signage, sensor-operated sanitary fitting, barrier-free toilets, touch and smell gardens, good contrast corridors with warning tiles are significant features that have enabled the persons with disabilities to have an easy access to every corner of the building. Dr. Neerada Chandra Mohan, director, is receiving the award. राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया है लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड नई दिल्ली ने. भारत में 15 स्थानों पर होटलों वाली लेमन ट्री श्रृंखला ने न केवल इसके आगंतुकों तथा मेहमानों बल्कि अन्य मेहमान नवाजी घटकों